बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह पाक की रहमत, फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। जी तो नाज़रीन, क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और नाज़रीन, आप मेरे पीछे देख सकते हैं सरसों का खेत। सरसों भी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है, तकरीबन एक माह बाद इस पे से फसल उतर आएगी। अभी साग का सीज़न चल रहा है और लोग यहाँ से आकर साग तोड़ते हैं। बहुत ज़्यादा साग तोड़ने का एक फ़ायदा ज़मींदार को भी होता है कि जो जिसकी फसल होती है उसके ऊपर से जब वो फूल तोड़ लेते हैं साग वाले, तो उसकी जगह दो तीन और, मतलब एक नहीं बल्कि दो तीन और उसकी जगह निकल आते हैं फूल, तो जिसकी वजह से उसकी पैदावार में इजाफा होता है। तो ये जो साग तोड़ते हैं ये बेसिकली गाँव का, इसका फ़ायदा ही है, नुकसान कोई नहीं है इसका। इसमें जो तोड़ने वाले होते हैं उनका भी फ़ायदा है और हमारा भी जो है ना, मतलब ज़मींदार का भी फ़ायदा है, ये आप देख सकते हैं। तो वो पीछे जो है ये बस हॉस्पिटल है हमारे, ये आप देख सकते हैं, नज़र उम्मीद कर नज़र आ रहा होगा आपको। ये अब्बास हॉस्पिटल है और ये चकवाल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और ये प्राइवेट है। और क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? ये साथ ही पीछे गंदम की फसल है, अभी ये शुरुआती मराहिल में है। और ये पीछे आप देख सकते हैं वो सामने दूर पंप है। और लाइट का इशू है थोड़ा सा, क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा है और मेरे पास कोई इतना अच्छा कैमरा भी नहीं है, मोबाइल से ही ये वीडियो शूट हो रही है, कोई कैमरा शैमरा नहीं है मेरे पास इतना अच्छा, मतलब ये LG मोबाइल, उसी का कैमरा है, वो यूज़ कर रहे हैं। तो अभी नादरीन हम आगे जा रहे हैं, आगे जाकर देखते हैं कि आगे क्या है। ओह वाह, ये देखें नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये बैर हैं, ये देखिए नाज़रीन, ये बैर बैर, जी नाज़रीन मैं अभी वापस फैक्ट्री की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि पीछे से मुझे लगता है बुलावा आया है, कोई गाहक शाक आए होंगे, जाके चेक करते हैं कि कौन आया है। अरे क्यों बुलाया था? आ रहा हूँ यार, एक मिनट सब्र करो नाज़रीन, बस वैसे ही वो स्नेह से बुला लिया था, कोई भी नहीं, वो कहता यहाँ बैठो आके। नहीं, आपको एक कमाल की चीज़ दिखाने लगे हैं हम, हमारी लेबर छुट्टी चली गई और वो घर वेली थी और उन्होंने कुछ काम किया, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देख सकते हैं नाज़रीन आप, मीनार पाकिस्तान, ये हमारे लेबर ने हैंडमेड बनाया है हाथ से, ये आप देख सकते हैं, मैं आपको चारों साइडों से दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं नाज़रीन, चेक करिए किस कारीगरी से बनाया है। इजीली कल वे थे, उन्होंने कहा जाना छुट्टी हुई है उनको, तो उन्होंने कहा हम बना के जाएंगे डिज़ाइन आपकी फैक्ट्री पे। हमने कहा चलो ठीक है, बना में कौन सा फ़र्क पड़ता है। ये देखिए नाज़रीन, ये साइड है इसकी, है किसकी, तो फ्रंट साइड से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए नाज़रीन, पीछे हॉल जैसी माहौल, और ये ट्रैक्टर मोटरसाइकिल, खुली ज़मीनें, गांव के माहौल का भी अपना ही मज़ा होता है, ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये ब्लॉक फैक्ट्री है पीछे, ये आप देख सकते हैं, ये झाड़ू है जनाब, इससे हम ब्लॉक साफ करते हैं, मैं आपको साफ करके भी दिखा देता हूँ। ये देखें ऊपर से बिल्कुल साफ हो चुका है, अभी थोड़े थोड़े पत्थर हैं, ये प्रोफेशनल का काम है, मेरा काम नहीं है, ये ऊपर से साफ करते हैं तब हमारा ब्लॉक की सफाई आती है,
नहीं तो ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना वो कचरा नज़र आता है, या आप इन पर भी देखें ना, ये देखें, या आप इन पर कचरा नज़र आता है, लेकिन वो झाड़ू मारते हैं तो ठीक हो जाता है, ये ऊपर से कचरा ऊपर से सारा हट जाता है। अभी गीला ब्लॉग है वैसे, इस पर झाड़ू नहीं लग सकता। और सुनाए नाजरीन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। वीडियो पसंद आए लाइक करें और शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। नाज़रीन मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। जी तो नाज़रीन आप देख सकते हैं अभी खाने का टाइम हो चुका है और मैं खाना खाने लगा हूँ, तो देखते हैं आज खाने में क्या है, लंच बॉक्स में चेक करते हैं। इसमें तो रोटी है और इसमें ये शलजम, शलजम कुटी हुई शलजम लाई थी आज मैंने, तो चलिए अब इसको गर्म करते हैं ओवन में। ये ओवन है मेरा, ये देख, अब इसमें गर्म करते हैं इसको, पहले दरमियान में सेंटर में लेके आएंगे ताकि सही तरह से गर्म हो। ये देखें जी, मैंने रखा हुआ है मीडियम पे और इसको 2 मिनट के लिए लगा देते हैं। अभी अंदर से गर्म हो रहा है नाज़रीन, जब तक ये गर्म होता है आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दबाइए बेल आइकन को ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। अभी खाना गर्म हो रहा है और अंदर से आवाज़ें आना तो शुरू हो गई हैं। ये तो डेली की तकरीबन रूटीन यही ऐसी होती है तकरीबन। अभी आप देख सकते हैं 1/2 मिनट क्रॉस हो गया है और 1.5 मिनट बाकी हैं। अब नाज़रीन 1 मिनट बाकी है, अभी नाज़रीन 1/2 मिनट बाकी है, तो तकरीबन अब हो ही गया, देखते हैं क्या रिजल्ट निकला अंदर से धुएं तो निकल रहे हैं अभी पहले ही हो गया। देखिए नाज़रीन हो चुका है गर्म, ऑयल निकला है इसमें से, और अब नाज़रीन हम खाने को रोटी को गर्म करेंगे, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए नाज़रीन रोटी मैंने रख दी अंदर और ये मैंने बंद कर दिया और ये मैंने 1 मिनट पे लगा दिया। हो गया जी गर्म, आ जाइए नदीन अगर आपने भी रोटी खानी है तो। चलिए तो नदीन रोटी खाने के बाद फिर मिलते हैं। जी तो नाज़रीन इसी के साथ ही हमारा आज का व्लॉग होता है ख़त्म। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। इसी के साथ नाज़रीन अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं, खुदा हाफिज़।